हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 को। सो लेट्स स्टार्ट। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर 1 क्वेश्चन दे रखा है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। सो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल से कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 60 का होता है वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो ये सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री टेबल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इंट्रो लेक्चर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सो यहाँ साइन 60 इक्वल टू √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इंटू कॉस 60 की वैल्यू होता है 1/2। सो अब मुझे मल्टीप्लाई करना है सिंपली। सो √3 इंटू √3 होता है 3। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1/4 इनका मल्टीप्लाई करने पर। नाउ हम एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा और ये देगा 4/4 जिसकी वैल्यू हो जाता है 1। कैंसिल हो के 1 हो जाएगा वैल्यू। सो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके सेकेंड वाले में। जो सेकेंड दे रखा है ये 2 tan² 45° प्लस कॉस स्क्वायर 30° माइनस साइन स्क्वायर 60° दे रखा है। सो हम लोग जानते हैं कि टेन 45 का वैल्यू होता है 1 और मुझे यहाँ टेन 45 का यूज़ करना है। सो ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल से हमने ले लिया टेन 45° इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉस 30° अभी हमने लिखा था √3/2 और साइन 60° अभी लिखा था √3/2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टेन 45° इक्वल्स टू 2 इंटू 10² 45° है। तो पहले टेन 45° का वैल्यू लिख लो जो कि 1 होता है। अब उसका स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर कह रहे हैं यहाँ पे। अब कॉस 30° बोल रहा है तो कॉस 30° अभी √3/2 हमें पता है वैल्यू होता है √3/2 और फिर इसका स्क्वायर कर दो माइनस साइन स्क्वायर 60° बोल रहा है तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और फिर उसका स्क्वायर कर दो बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर कह रहा है। सो 2 इंटू 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अभी यहाँ पे बता रखा था √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है अपॉन 4। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें पता चलेगा आंसर इसका 2 हो जाएगा।